अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आलू गोश्त, जो कि हर घर में बनता है। और इसकी बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने लिया है बकरे का गोश्त, मटन 1 kg। इसके साथ बनाएंगे हम मज़ेदार सा आलू गोश्त। सबसे पहले आलू गोश्त बनाने के लिए देगची में हम डालेंगे बकरे का गोश्त। इसके साथ मैं ऐड करूंगी यहाँ तकरीबन 1 glass पानी। इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 2 medium size के प्याज हैं, जिन्हें मैंने इस तरह बारीक कट कर लिए। इसको ऐड करेंगे। इसके साथ हम यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया है 2 tablespoon भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके साथ यहाँ जाएंगे 5 टमाटर, जिनका पेस्ट बना लिया है। इनको मैंने ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा बॉईल करके। और अगर हम साबुत टमाटर डालते हैं तो वो फिर इसके शोरबे में नज़र आते हैं। इस तरह अगर आप पेस्ट डालेंगे तो बड़ा स्मूथ सा इसका शोरबा बनेगा। और अब हम डालते हैं इसके अंदर अपने स्पाइसेस। यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 tablespoon रेड चिली पाउडर। इसके साथ ऐड करेंगे 1/2 teaspoon हल्दी। 1 teaspoon इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और 1.5 teaspoon इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, जिसे हम लास्ट में एडजस्ट करके सही कर लेंगे चक्कर। अब यहाँ हम इसको पहले एक बॉईल आने तक हम इसे पकाएंगे। एक उबाल आने तक अब हम इसे पकाएंगे। और फिर जैसे इसके अंदर उबाल आएगा फिर हम इसकी आंच मीडियम लो कर देंगे और फिर इसे हम तकरीबन आधे घंटे का दम लगाएंगे। जी तो यहाँ आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर बॉईल। अब हम इसकी जो फ्लेम है इसका वो हम कर देंगे मीडियम लो और इसको अब हम दम लगाएंगे आधे घंटे के लिए। और उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई और इसमें ऐड करेंगे आलू। जी व्यूअर्स, आधे घंटे के बाद ये माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है वो 70-80% तक डन हो गया है। अब यहाँ हम इसमें डालेंगे ऑयल और इसकी यहाँ करेंगे फुल फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, भुनाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो रही है, ऑयल निकल नहीं लगा है। अब हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह इतने साइज़ में काट लिया है, ये भी ऐड करेंगे। इनकी भी गोश्त के साथ ही भुनाई होगी। और इसके साथ यहाँ मैं ऐड करूँगी, यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये ऐड करूँगी। अब आलू की और हरी मिर्चों को हम गोश्त के साथ ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 teaspoon गरम मसाला। आप चाहें तो आप इस स्टेज पर भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको लास्ट में शोरबे के अंदर जिस टाइम आप चूल्हा बंद करने लगे उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस 1 से 2 मिनट और भूनेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। हमारे आलू गोश्त की भुनाई होगी, आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखें। इसी तरह आपने भी बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अभी स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, जितना आपने शोरबा रखना है आप उतना पानी ऐड कर लें, अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें। जी व्यूअर्स, यहाँ पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसका करेंगे फ्लेम लो और इसको लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएँ। अगर आपका गोश्त थोड़ा भारी है, थोड़ा हार्ड है तो आप उसको ज़्यादा देर दम लगा सकते हैं। आलू डालने से पहले जब हमने इसको दम लगाया हुआ था उसमें आप इसको इतना गलाएं कि 70-80% आपका गोश्त गला हुआ हो, ताकि जो थोड़ी सी कसर रहती है वो बाकी आलू के साथ इसने पकना है उसमें पूरी हो जाती है। और अब हम लगाते हैं इसे 15 से 20 मिनट का दम। जी व्यूअर्स, आफ्टर 15 मिनट्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है आलू गोश्त की, ये देखें। आलू भी ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से ये देखें गल गया है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया।
जिससे इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब हम करते हैं अपना फ्लेम ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। ये व्यूअर्स, मज़ेदार से आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत ज़्यादा एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।